ओ अच्छा, नटखट परी। तुम्हें तो मैं भूल ही गई थी, पर तुम मेरा बिगाड़ भी क्या लोगी? तुम बहुत कमजोर हो। सोन परी, जल्दी यहां से चलो, मैं ज्यादा देर तक काली परी को रोक नहीं पाऊंगी। मेरी शक्तियां काली परी के मुकाबले बहुत कम है। हमारे इस वक्त यहाँ से जाना ही सही होगा। पर नटखट परी, सवाल मत करो, बस चलो यहाँ से। ठीक है, कहाँ चले गए? कोई बात नहीं, कब तक बचोगे? इस बार तो तुम लोग बच गए, लेकिन ज्यादा देर नहीं। अगली बार देखती हूँ मुझसे कैसे बच पाओगे। जल्दी आमना सामना होगा हमारा। आखिर इस सोन परी का मैं क्या करूं? अच्छा, रानी परी की नई चाल। आपको क्या लगता है कि मैं आपकी जाल में फिर से फंस जाऊंगी? एक बार फंस सकती है काली परी, बार बार नहीं। काली परी, ये आप क्या कर रही है? मैं कोई रानी परी नहीं हूं, मैं आपका ही दूत हूं। बस करो रानी परी, और कितना पागल बनाओगी मुझे? शायद आप भूल रही हो कि आप मेरे नरक लोक में हो, और यहां सिर्फ मेरी शक्तियां काम करती है, आपकी नहीं। काली परी, आप मेरी बातों का यकीन कीजिए ना, अगर मैं रानी परी होता तो मैं इस नरक लोक में क्यों ही आता? और वैसे भी अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा तो आप मुझ पे वार कर लीजिए। तो तुम ही हो, लेकिन तुम यहाँ कैसे आए? और रानी परी के कैद से कैसे छूटे? काली परी, जब आपने रानी परी पे वार किया तब रानी परी नहीं रही, और तभी रानी परी की सारी जादुई शक्तियों का असर खत्म हो गया और मैं आजाद हो गया, और उसी समय मैं सबसे पहले भागते हुए इस नरक लोक में आपके पास आ गया। क्या, रानी परी नहीं रही? चलो, मेरे रास्ते से एक कांटा तो हटा। बेचारी रानी परी बड़ी कमजोर थी, मेरे एक बार से ही खत्म हो गई। परंतु काली परी, एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर? क्या बुरी खबर है? रानी परी के जाने के बाद परीलोक में सारी परियों ने यह फैसला लिया है कि रानी परी की राजगद्दी अब सोन परी को दी जाएगी, और सोन परी ही इस दुनिया पे और परीलोक पे राज करेगी। असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? रानी परी नहीं रही, और रानी परी के जाने के बाद उस गद्दी की हकदार सिर्फ मैं हूं। सोन परी के पास तो उसकी शक्तियां भी नहीं बची है, वो क्या कर लेगी? अब परी लोक पर सिर्फ मेरा राज होगा, और सारी परियों का अंत निश्चित है। अगर वो राज गद्दी मेरी नहीं हो सकी तो मैं किसी की नहीं होने दूंगी, तबाही मचा दूंगी। काली परी, बस करो, ये सब क्या कर रही हो? आप ये सब तमाम मत करो। ओ नटखट परी, कहाँ है तुम्हारी सोन परी? वो नहीं आई? अच्छा, उसके पास तो उसकी शक्तियां ही नहीं है, तो घबरा गई होगी बेचारी। बस करो काली परी, ये सब बर्बाद मत करो। हमारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी जिद छोड़ दो। तुम तो परीलोक के दूत है ना, काली परी के साथ क्या कर रहे हो? नटखट परी, अब मैं परी लोक का दूत नहीं, नरक लोक का दूत हूँ, और रानी परी ने मेरे साथ भी बुरा किया है। खुद दूसरों के साथ बुरा करके दूसरों को अच्छाई का ज्ञान बांटती है। बस करो, तुम्हें मालूम भी है तो मैं ये सब क्या कर रहे हो? चुप करो। परी लोक और पृथ्वी लोक दोनों की भलाई इसी में है कि सोन परी को मेरे हवाले कर दो और राज गद्दी मुझे दे दो, क्योंकि मुझे पता है रानी परी का तो अंत हो ही चुका है, वो भी मेरे हाथों। और अगर तुम सबने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सब बर्बाद कर दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। और तुम ना ही मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे, रानी परी तो अब है ही नहीं, और सोन परी बेचारी, उसके पास तो उसकी शक्तियां ही नहीं है। अरे वो तुम लोगों को क्या बचाएगी? उसका होना ना होना बराबर है। हाँ काली परी, कह तो तुम सही रही हो, एक सोन परी के चक्कर में हम सब क्यों मरे? और उसके पास तो शक्तियां भी नहीं है, वो क्या राज करेगी हम पे? हमारे ऊपर तो राज करने वाली एक ऐसी परी होनी चाहिए जिसके पास बहुत सारी शक्तियां हो, जो सबसे शक्तिशाली हो, और
सबसे शक्तिशाली तुम हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बुलाओ उस सोन परी को, उसका भी अंत मेरे ही हाथों होना है। हाँ जी, पूरी दुनिया मेरे वश में होकर रहेगी। जी काली परी। क्या हुआ नटखट परी, तुमने मुझे बुलाया? हाँ सोन परी, मैंने आपको बुलाया। आपका अंत जो निकट है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो देखो काली परी। काली परी, ये सब तुमने बर्बाद करा है। क्या हुआ, घबरा क्यों गई? अरे बेचारी लाचार और बेबस परी, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती हो। अब कैसे बचाओगी खुद को मुझसे और इस पूरी दुनिया को? और तुम्हारी ये नटखट परी और तुम्हारा प्यारा दूध, अब तो दोनों ही मेरे पास है। अब तो तुम्हारा मरना निश्चित है। नटखट परी, तुम भी? हाँ सोन परी, मैं भी। जो अपने आप को नहीं बचा सकती, वो परीलोक की रक्षा कैसे करेगी? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम और ये दोनों काली परी के साथ मिल चुके हो। और बहन मत कर ऐसा। मत कर ऐसा? बहन बनके तूने कितने समय तक मुझे पागल बनाया है। क्या कुछ नहीं किया है मैंने तेरे लिए, और अब तो ये सब कुछ मुझसे छीनना चाहती है। इतने समय से मैंने इस वक्त का इंतजार किया था, पृथ्वी लोक पर राज करने का, परी लोक पर राज करने का, और तू चाहती है कि मैं इतनी आसानी से ये सब कुछ तुझे दे दूं? बिल्कुल भी नहीं। बहन मेरा यकीन कर, मुझे सच में नहीं मालूम था कि मैं सोन परी हूं, और ये सब जो कुछ भी हुआ। चुप कर, अब तू नहीं बचेगी। अभी भी समय है, मान जा बहन। कर ले अपनी बची कुची शक्तियों का इस्तेमाल, लेकिन तू मुझसे कब तक बचेगी? अच्छा अब भाग रही है, इसे मैं बताती हूँ बच के कहाँ जाएगी मुझसे। परी लोग बहुत अच्छी चाल है, परी लोग मिला के तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। पर अफसोस तुम्हारी ये चाल मुझ पे काम नहीं करेगी। आखिर तुम कर ही क्या लोगी मुझे अपने परी लोग में ला कर? तुम्हारी रानी परी तो जिंदा ही नहीं बची, और ना ही तुम्हारे पास कोई शक्ति आए। और रही बात तुम्हारे परी लोक वासियों की, तो वो तो मेरी तरफ भी है। बेवकूफ। किसने कहा काली परी? रानी परी जिंदा है? किसने कहा हम तुम्हारे साथ हैं? हम आज भी परीलोक में और अच्छाई की तरफ हैं। और मैं भी। आखिर रानी परी ने मुझे मेरे जीवन की इतनी बड़ी सच्चाई से रूबरू क्यों नहीं करवाया? और जो काली परी ने बोला, क्या वो सत्य है? अगर वो सब सत्य है, तो मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर रानी परी से जरूर चाहिए। अच्छाई की जीत हो सोन परी। अच्छाई की जीत हो नटखट परी। मुझे मालूम है कि तुम क्या सोच रही हो। जो काली परी ने कहा तुम्हारे लिए और रानी परी के लिए, वो सच भी है कि नहीं? है ना, तुम वही सोच रही हो ना? हाँ, मैं यही सब सोच रही हूँ। जब से मुझे ये ख्याल परेशान करे जा रहा है कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हुआ। हाँ सोन परी, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे रानी परी द्वारा। रानी परी जो भी करती है वो सोच समझ के करती है। अगर उन्होंने तुम्हें पृथ्वी लोक पे भेजा है, तो कुछ सोच समझ के ही भेजा होगा। हाँ नटखट परी, इतना तो मुझे विश्वास है, अगर रानी परी ने कुछ फैसला लिया होगा, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। और वो जो भी फैसला लेती हैं, सबके भले और अच्छाई के लिए ही लेती हैं। बाकी ये सब छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ, अब रानी परी की तबीयत कैसी है? क्या वो ठीक है? काली परी का दिया होगा इतनी जल्दी तो नहीं भरेगा, परंतु रानी परी को आराम जरूर आया होगा। वो अभी अपने कक्ष में आराम कर रही हैं। अगर आपको उनसे बात करनी है, तो आप उनके कक्ष में जा सकते हो, आपको आपके उत्तर जरूर मिल जाएंगे। मैं जाती हूँ फिर रानी परी के पास, उनसे उनका हाल भी पूछ लूंगी और अपने प्रश्नों के उत्तर भी पा लूंगी।
रानी परी। आओ सोन परी, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, हमें तुमसे ही बात करनी है। क्या अब आप ठीक है रानी परी? आपकी तबीयत कैसी है? हाँ सोन परी, अब हमें आराम है। हमें पता है तुम क्या सोच रही हो, हमने जो भी तुम्हारे साथ किया वो आखिर क्यों किया है? एक माँ होने के बावजूद भी हमने अपने बच्चे को अपने आप से दूर क्यों रखा? हाँ रानी परी, मैं जब से परेशान हूँ ये बात सोच सोच कर, आखिर मेरा भी तो हक है ना ये जानने का कि आखिर आपने ऐसा क्यों करा। सोन परी, काली परी तुम्हारी बड़ी बहन है और वो चाहती थी कि हमारे बाद हमारी राजगद्दी वो संभाले, परंतु सोन परी जब तुम पैदा हुई तभी काली परी को ये डर सताने लग गया था कि अब राजगद्दी उसे नहीं मिलेगी, इसलिए वो तुम्हारे खिलाफ साजिश रचने लगी। और जब हमें ये मालूम पड़ा कि काली परी तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रही है तो हमने परीलोक से उसे बेदखल कर दिया, पर फिर भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आई और तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करती रही। इसी कारण सोन परी हमने तुम्हें पृथ्वीलोक पर भेज दिया ताकि काली परी को ना पता चले कि तुम कहाँ हो, ताकि तुम सुरक्षित रहो सही समय आने तक। पर अब वो समय आ गया है कि हमारी राजगद्दी तुम्हें दी जाए। और सोन परी, हमें यह भी पता था कि जब काली परी को पता चलेगा कि तुम वापस आ गई हो तो वो हमारा अंत करने के लिए कुछ ना कुछ बुरा जरूर करेगी। सोन परी, हमें माफ़ कर दो, हम जानते हैं हमने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, पर हम मजबूर थे क्योंकि हम चाहते थे कि तुम बुराइयों से दूर रहो और अच्छाई को समझो। हमें तो पहले ही मालूम था कि आपने जो कुछ भी करा उसके पीछे कोई विशेष कारण तो जरूर रहा होगा। हमें मालूम था कि आपका जो भी फैसला होता है वो अच्छाई के लिए ही होता है। आप परेशान मत होइए, मैं अब इस बात को लेकर बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ माँ। क्या तुमने मुझे माँ कहा? हाँ माँ। अरे खुशी के माहौल में ये आंसू कैसे? मुस्कुराओ, जश्न मनाओ। नटखट परी, तुम नहीं सुधरोगी। अभी जश्न मनाने का समय नहीं आया नटखट परी। जश्न मनाने का समय तो जब आएगा जब काली परी की हार होगी और हमारी जीत, बुराई हारेगी और अच्छाई जीतेगी। जब तक काली परी को उसके किए की सजा नहीं मिलेगी जब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगी। परंतु हम काली परी को हराएंगे कैसे? आपकी जादुई छड़ी तो काली परी के पास है ना? हाँ, इसी दुविधा में तो मैं भी फंसी हुई नटखट परी। क्या कि अब हम करें क्या? हमें मालूम है हमें क्या करना है, आओ हमारे साथ। रानी परी आप आ गई, अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, अब तो आप हमें आजाद कर दीजिए। हाँ हमारे प्यारे दूत, हम तुम्हें अवश्य ही आजाद करेंगे, पर तुम हमें पहले ये बताओ कि काली परी की कमजोरी क्या है और हम उसे कैसे हरा सकते हैं। रानी परी, हमें तो ये मालूम नहीं है कि काली परी को कैसे हराया जाए, पर हमें ये मालूम जरूर है कि उनकी सारी जादुई शक्तियाँ उनकी छड़ी में है। अगर आप उनकी छड़ी उनसे ले लोगे और उनको परीलोक में लेके आ जाओगे तो वो अवश्य कमजोर हो जाएगी। पर रानी परी, दुविधा तो ये है कि जब काली परी को मालूम है कि उसकी शक्तियाँ परीलोक में सबसे ज्यादा कमजोर होती हैं तो वो परीलोक में आएंगी कैसे और हम उससे उसकी छड़ी छीनेंगे कैसे? हमारे पास इसका रास्ता है। अरे मेरी जादुई छड़ी कहाँ गई? हमारे पास है, परेशान मत हो। मेरी नई जादुई छड़ी? नहीं सोन परी, ये जादुई छड़ी तो है पर काली परी को हराने के लिए काफी नहीं है। जब रानी परी इस छड़ी में इतनी ताकत ही नहीं है, ये इतनी शक्तिशाली ही नहीं है, तो फिर हम इससे काली परी का सामना कैसे करेंगे आखिर? हमारे पास इसका रास्ता है, जैसे ही काली परी इस परी लोक पर आएगी उसकी शक्तियाँ आधी हो जाएंगी, बस वही सही समय होगा उस पर हमला करने का। इस जादुई छड़ी के लिए शुक्रिया माँ, पर हम काली परी को आके परी लोक पर लाएंगे कैसे? तो आप सुनो मेरी बात। Thank you.
अब तुम तीनों समझ गए ना? तो अब तुम तीनों तैयार हो? हाँ रानी माँ, हम तैयार हैं। हाँ हम तैयार हैं। हाँ हम तैयार हैं। क्या ये सब तुम्हारी चाल थी? हाँ काली परी, रानी परी जिंदा है और नटखट परी और हमारा दूत, किसने कहा कि तुम्हारे साथ मिले हुए हैं? ये अभी भी परीलोक के ही वासी हैं और परीलोक के ही सगे हैं। इन्होंने हमेशा अच्छाई का साथ दिया है और आगे भी देते रहेंगे। हाँ काली परी, अब तुम कहीं नहीं जा सकती क्योंकि मैंने परीलोक पर कवच लगा दिया है। और हमारी ये इतनी सी चाल में फंसने पर मैं कैसे बेवकूफ हुई? बेवकूफ तो तुम हुई ना बहन। बेवकूफ लोग, किसने कहा कि यहाँ मेरी शक्तियाँ काम नहीं करेगी? शायद तुम लोग भूल रहे हो कि मेरी छड़ी के साथ साथ सोनपरी की भी शक्तियाँ है। मेरी शक्तियाँ बेशक काम ना करें और सोनपरी की तो करेंगी। नई छड़ी फिर भी मुझे नहीं हरा पाओगी। हाँ नई जादुई छड़ी और काली परी वो तो देख ही लेंगे कि आखिर जीत तुम्हारी होती है या मेरी। हुआ है काली परी, देखो अच्छाई फिर से जीत गई। अच्छाई के आगे बुराई कभी नहीं जीत सकती। और तुम जहां पर भी गई तुमने हमेशा बुरा करा, बर्बादी करी, तबाही फैलाई। और अब देख लो आ गया ना सबका अंत। नहीं बिगाड़ पाई कुछ तुम हमारा, ना ही दुनिया पर राज कर पाई और ना ही हमको कुछ हानि पहुंचा पाई। हाँ काली परी, हम तुम्हें हमेशा समझाते रहे पर तुमने हमारी कभी नहीं सुनी। काश तुम समझ जाती तो आज ये पल देखने को नहीं मिलता तुमको। मेरी छड़ी। अब देखो मेरे साथ साथ तुम्हारी भी सारी शक्तियां मेरे पास है। तुम्हें मालूम है बहन तुम क्यों हारी? इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद तुम अकेली थी और मैं तो तुमसे कम बलशाली थी, पर फिर भी देखो मेरे पास अपनों का साथ था। अच्छा ही ऐसी ही होती है, जहां जाती है ना सबको अपना बना लेती है। हम सब ने मिलकर अपनी सहज बूझ से आखिर तुम्हें हरा ही दिया। तुम क्या सोची थी कि तुम कभी नहीं हारोगी, इस दुनिया पर तुम ही राज कर पाओगी? ऐसा मेरे जीते जी तो मैं होने नहीं देती। अगर रानी परी ने मुझे सोन परी बनने का मौका नहीं दिया होता तो शायद मुझे तुम्हारी सच्चाई भी मालूम नहीं पड़ती और तुम ये नहीं समझी कि बुराई अपने साथ हार, बर्बादी और अकेलापन ही लाती है। बुरा करके आज तक किसी का भला नहीं हुआ है और देख लो तुम्हारा भी भला नहीं हुआ ना, हार गई ना। अरे बहन अगर तुम्हें राजगद्दी चाहिए थी ना तो मुझसे आकर प्यार से मांग लेती, मैं खुशी खुशी तुम्हें दे देती। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी तुम्हें अपनी राजगद्दी देने में, पर तुमने जो ये सब करा, पृथ्वी लोक पर तबाही मचाई, परी लोक को तबाह करने की सोची, इतनी साजिशें चली, मुझे मारने की कोशिश करी, रानी परी को मारने की कोशिश करी, सब बहुत ज्यादा गलत था और तुम्हारे इन कर्मों की सजा तुम्हें अवश्य ही मिलनी चाहिए। मुझे माफ कर दे बहन, मैं राजगद्दी के लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे यही नहीं पता चला कि जो सब मैं कर रही हूँ गलत है। बहन मुझे माफ कर दे, मुझे अपने खरे का पछतावा है, पर मैं तुझसे वादा करती हूँ आज के बाद ऐसे कोई भी काम नहीं करूंगी। अब हम तुम पर विश्वास नहीं कर सकते काली परी, तुम्हारी सजा यही है कि तुमसे तुम्हारी शक्तियाँ छीनी जाएं और अब तुम काली परी जिंदगी भर के लिए परीलोक की काल कोठरी में कैद रहोगी और तुम्हारा नरक लोक भी नष्ट कर दिया जाएगा। नहीं 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 ऐसा मत करिए, मुझे जाने दो यहाँ से, जाने दो मुझे। माफ करिएगा रानी परी कि मैं आपके बीच में बोल रही हूँ, पर मैं बचपन से इसके साथ रही हूँ, ये मेरी बहन है और मैं जब भी किसी भी मुसीबत में आई हूँ
इसने आकर मेरी मदद जरूर करी है, और अगर इसने मेरी मदद करी है तो इसमें अच्छाई तो अभी भी है ना। इसके मन में मेरे लिए प्रेम भावना थी, तभी ये मेरे लिए सबसे लड़ती थी। ऐसे ही तो कोई किसी की मदद नहीं करता, ऐसे ही तो कोई किसी की जान नहीं बचाता। जब मेरे पे आँच आई थी तो ये उस आदमी से लड़ने के लिए पहुँच गई थी और उसको बहुत मारा था। अच्छाई अभी भी इसी के अंदर है, बस इसको अपनी अच्छाई की पहचान नहीं है। ये अपनी अच्छाइयाँ ही भूली है, बुरी नहीं है। हमें बस इसको इसकी अच्छाइयाँ याद दिलवानी है। मेरे मुताबिक इसके लिए सही सजा यही होगी कि इसकी सारी शक्तियाँ छीन ली जाए और इसको पृथ्वी लोक पर भेज दिया जाए एक इंसानी रूप में, जिसमें इसको 1,00,000 लोगों के लिए कुछ अच्छा करना होगा, उनकी भलाई करनी होगी, उनकी मदद करनी होगी। और जिस दिन ये 1,00,000 लोगों की मदद कर लेगी, उनके लिए कुछ अच्छा कर लेगी, इसको इसकी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी। और अब ये आएगी तो काली परी के रूप में नहीं, मेरी बहन के रूप में, एक अच्छी परी के रूप में परीलोक में रहेगी मेरे साथ। हाँ, ये तो बहुत अच्छा विचार है सोन परी। बहन, तू अपना ध्यान रखना, और मुझे पूरा यकीन है तू मेरे पास वापस जरूर आएगी। सोन परी, तुम्हें मालूम है ना क्या करना है? शुक्रिया माँ कि आपने मेरी बात सुनी, मेरी बात को इतना महत्व दिया और मेरे कहने पे काली परी को एक मौका दिया। मैं अपनी बहन से हमेशा प्यार करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी, क्योंकि मुझे पता है वो भटक गई थी, वो बुरी नहीं है। अब तुम आम लोगों की तरह अपना जीवन पृथ्वी लोक पर व्यतीत करो। मेरा नर्क लोक चल रहा है, मुझे एहसास हो रहा है। बहन, मुझे माफ कर देना, पर तेरी भलाई इसमें थी। बहुत अच्छा सोनपरी, हमें तुम पर नाज है। सोनपरी, जरा सामने आओ। सामने रानी माँ, जरूर। अब समय आ गया है कि राजगद्दी सोनपरी को दी जाए। अब इस परीलोक की रानी सोनपरी होगी। शुक्रिया रानी माँ, अच्छाई की जीत हो। देखो आई 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 सोना सोनपरी आई। आप सभी को शुक्रिया। सोनपरी 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 आई। हे गाइस, तो कैसी लगी आपको मेरी सीरीज? अगर आपको बहन बहन और परी पार्ट 1, 2, 3 तीनों अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, तीनों वीडियो के नीचे ना कमेंट जरूर कर देना। और एक बात बताओ, तुम्हें इस वीडियो से क्या शिक्षा मिली? तुम्हें ये शिक्षा मिली कि कभी भी किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि अंत में बुराई की हार होती है और अच्छाई की जीत। और जितना हो सके अपने आस पास वाले लोगों की मदद करिए, अच्छा करिए। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। बाय बाय, लव यू।